सो हाय हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप। मैं हूं आपका दोस्त आरजे गौरव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे गौरव रेडियो चौकी पे। एक स्पेशल गेस्ट मेरे साथ अभी इस वक्त मौजूद है, टीचर भी है एंड ही इज माय 10th क्लास टीचर ऑफ महात्मा गांधी स्कूल। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है एंड एक अच्छा बेस्ट टीचिंग भी दिया है उन्होंने। लेकिन नाम बताने से पहले मैं इनके बारे में बता दूं, ये इनका पढ़ाना बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट प्रोफेशनली पढ़ाते हैं। इन्होंने हर एक स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है, मुझे भी सपोर्ट किया है एंड मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ मिस्टर जयराजू सर। हैप्पी टीचर्स डे सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एक अच्छा टीचिंग देने के लिए और टीचिंग के साथ साथ एक अच्छा डिसिप्लिन में आपने मुझे रहना सिखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से मैं बेस्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट में बना हुआ आज। सिर्फ आप ही की वजह से आप सारा क्रेडिट आपको मिलता है, थैंक यू सो मच सर। एंड कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन। एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या करना चाहिए? बिकम अ वेरी गुड टीचर। The very first thing is one has to complete the graduation and you should be proficient in that particular thing. For example, I am an English teacher, I have done my BA. That BA course, all the trainings are given to the teacher how to handle the students, because each and every student does not have the same IQ. And when it comes to IQ, it becomes very difficult for the teacher to handle all the students. In one particular class, there are 50 students and 60 students, they have different IQ. अच्छे टीचर बनने के लिए सबसे पहले तो आप खुद एक स्टूडेंट हो। उन 60 स्टूडेंट्स में जब आप प्लेटफॉर्म पे गाइड से जाते हो टीचर, तब आप स्टूडेंट्स भी आपसे मिलेंगे, आपसे मिलजुल जाएंगे। स्टूडेंट्स को भी ऐसा लगेगा कि हमारे टीचर का फॉर्म है, क्योंकि हमारा ये फ्रेंड है, उसका इंटरेक्शन भी देखिए। सो सेकेंड क्वेश्चन सर, आपका ये है कि आप अपने स्टूडेंट को कैसे हैंडल करते हैं? जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया, एज अ स्टूडेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम डिसिप्लिन एंड टू मेंटेन द डिस्टेंस विद देम, बट समटाइम्स इट हैपेंस इफ यू ट्राई टू मेंटेन द डिस्टेंस विद देम दे वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट यू आर टीचिंग। सो इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग द डिस्टेंस यू शुड कोऑपरेट विद देम एज इफ ही और शी इज द चाइल्ड ऑफ योर ओन फैमिली। आप जिस तरह अपने बच्चों का हैंडल करते हैं, बच्चों को गुस्सा है तो मारते हो तो पास में भी देते हो, सेम इज द केस विद द स्टूडेंट। स्टूडेंट भी किसी का बच्चा है, किसी का लड़का है, किसी की लड़की है, गुस्सा है तो उन्हें डांटो एंड एट द सेम टाइम रेसिप्रोकेशन पे उनको प्यार करना भी आप सीखो और उन्हें सिखाइए, तो उनको ऐसा लगेगा नो ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली, देन इट्स ओपन अप योर सेल्फ फॉर अस। तो थर्ड क्वेश्चन सर आपका ये है, अगर आपका कोई स्टूडेंट टीचर बनना चाहता है तो आप उसे क्या सलाह देंगे? यदि मेरा स्टूडेंट कोई टीचर बनना चाहेगा मैं तो उसे यही सलाह दूंगा कि वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशन एज फार एज ऑल द प्रोफेशन आर कंसिडर्ड। और ऐसे इंडिया में कहा गया है, माता पिता के बाद माता युवा, माता पिता के बाद इंडियन ट्रेडिशन में गुरु को ही पूजा जाता है। तो नेक्स्ट बार मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा प्रोफेशन, आपने इस प्रोफेशन में आना चाहिए, बिकॉज अ टीचर इज अ पर्सन हु मेक्स द कंट्री। In a country, there are scientists, there are doctors, there are philosophers, there are mechanics, there are a whole lot of things. And all of them have been made by the teacher. Thank you so much, sir, for your